आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है काले चने ब्लैक चिकपीस। काले चने कैसे बनाते हैं? काले चने बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं और बहुत से लोगों के पसंद होते हैं। इसको बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं, मैंने 3 पाव काले चने लिए हैं, 3/4 क्वार्टर ब्लैक चिकपीस, और इसके लिए जो हमें चाहिए वो मैंने लिया है 3 medium-sized अनियन लिए हैं मैंने, उन्हें ब्रिक स्लाइस कट कर लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल साइज कट। इसमें चाहिए मुझे 3/4 क्वार्टर मैंने ऑयल लिया, 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है, 3.25 कप ऑयल लिया है, 2 medium गार्लिक लिए हैं मैंने, और 3 इंच की जिंजर ली थी उसे क्रश कर लिया है, 4 medium-sized टमाटर लिए थे उन्हें चंक्स में कट कर लिया है, और 2 tablespoons इसमें हमें चाहिए होगी सूखी मेथी, इसे हम भूनते वक्त इस्तेमाल करेंगे, और मसालों में हमें चाहिए 1 tablespoon भर के मैंने लिया है नमक, 1 tablespoon भर के लिया है मिर्च का सूख मिर्च, और 1 teaspoon मैंने इसमें हल्दी इस्तेमाल, 1 tablespoon मैंने इस्तेमाल किया है सूखा धनिया पाउडर, उसमें मैं 3/4 क्वार्टर इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गरम मसाला, और एक दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बड़ा कुकर लिया है, उसमें मैं ये काले चने, हम ऑयल ऐड कर देंगे, अनियन ऐड कर देंगे, अदरक ऐड कर देंगे, लहसुन, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी और साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे। मिर्च, हल्दी, साबुत गरम मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। इसमें अब हम 3 to 4 glass पानी ऐड कर देंगे और इसे हम फुल फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए वेट दे देंगे और 20 से 25 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। और नॉर्मली जो काले चने होते हैं वो 20 से 25 मिनट में जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं, लेकिन अगर सॉफ्ट ना हो किसी के बाय चांस तो उसके लिए यही है कि आप पानी को दोबारा नीम गर्म करें और इसमें दोबारा ऐड करें और इसे वेट दे दें और 10 से 15 मिनट, तो इसे मैं 20 से 25 मिनट वेट दे दूंगी क्योंकि जो चने हैं वो ओवरनाइट सोक किए थे मैंने, भिगो के रखे थे सारी रात, इसीलिए अब इसे 20 से 25 मिनट मैक्सिमम लग जाएंगे। 25 से 30 मिनट हो गए हैं और चने जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं और अब इसे हम अच्छे से 15 मिनट लगा के भून लेंगे। इसे भूनने में मैक्सिमम हमें 12 से 15 मिनट लग जाएंगे। इसमें हमने सूखा धनिया, गरम मसाला और सूखी मेथी ऐड कर दी है और उसे भूनते वक्त इस्तेमाल करना था, अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे।
और लगेंगे और ये अच्छे से हो जाएंगे। जैसे ही होगा गए तो हमारी मिर्च ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे क्योंकि अच्छे से जो है वो ऊपर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही सही से आ जाएगा तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। काफ़ी हद तक ऑयल भी जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। इसमें अब हम चार ग्लास पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें 4 to 5 ग्लास पानी ऐड किया है। आप चाहें तो अगर आप इसे रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसमें 2 ग्लास पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे चावलों के साथ खाएंगे इसलिए इसमें मैंने 5 ग्लास पानी ऐड किया है। और जैसे ही ग्रेवी थोड़ी इसकी थिक होगी, शोरबा गाढ़ा होगा, तो इसे हम फ्लेम को बंद कर देंगे और चने हमारे तैयार हो जाएंगे और 2 से 3 मिनट में। ऑयल काफ़ी अच्छे से ऊपर आ गया है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तैयार हैं हमारे काले चने। होपफुली आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।